está bien, va. Bien, está bien. तो इस समय हमारे साथ मौजूद है रोहित आगुम जी, जो कि अध्यक्ष भी है जनता दल यूनाइटेड के, और यहाँ पर कॉरपोरेटर भी है साथ में। तो सर, अब जबकि सभी जगहों पर पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे संसार में जो है, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन जो है होने को है, लोग तैयारियां कर रहे हैं और बहुत सारे जगहों में मनाया भी जा रहा है, तो सर एज ए सिटीजन, सीनियर सिटीजन और एक लीडर होने के नाते खासकर आप जो है क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में लोगों को सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं अरुणाचल का जनता को, भारत देश का जनता को, ये हमारा यीशु मसीह सन ऑफ गॉड बोलता है, इस प्रतिदिन में जन्म लिया। ये 25 का इसका जन्मदिन है। इसका जन्मदिन का उसको लेके मैं जितना अरुणाचल को जानता और भारत देश का जानता है, मैं सबको शुभकामनाएं कम नहीं देता है। और मैं हैप्पी क्रिसमस विशेष करता है हम सभी को। और सारा वर्ल्ड मानता है यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म लिया, उसी का द्वारा इस पृथ्वी का लोग उतर पाया, आशीष मिला। इसलिए ये क्रिसमस का देश सेलिब्रेशन किया जाता है, यीशु मसीह का जन्मदिन। और मैं सबको विशेष करता है, भारत देश का रहने वाला अरुणाचल, सारा अरुणाचल का जनता को, इस बार जो 2022 का क्रिसमस सेलिब्रेशन डे में उन सभी को आशीष दे, जिसका परिवार में बीमार आजार हो, जिसका फाइनेंशियल हैंडलेंस हो, जिस परिवार में बेटी है बेटा नहीं मिलता है, जिसका बेटा है बेटी नहीं मिलता है, या फैमिली पेंशन, और जिसका नौकरी बारी ठीक ठाक ना हो, और जिस परिवार में फैमिली का टेंशन हो, उन सबको इस 25 दिसंबर का जन्मदिन में सभी को आशीष करे, सभी को चंगा करे और सभी को खुशियाँ मिले। ये मेरा संदेश है। लास्टली मैं उन सभी को वही विशेष करता है, इस जन्मदिन का 25 दिसंबर का डे में, उसी दिन में सभी लोग खुशी से सेलिब्रेशन करो, और कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो ना हो, और कोई दुख तकलीफ ना हो, सब लोग खुशियाँ से यीशु मसीह का जन्मदिन को सेलिब्रेशन करें, और सब परिवार ऊपर में आशीष पाए, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एवरीबॉडी, सबको परमेश्वर का आशीष, यीशु मसीह का आशीष सबका ऊपर में परिवार में बने रहे, ये मेरा विशेष है। थैंक यू वेरी मच। और सर फाइनली सर, साथ में जो है ये साल जो है कई लोगों के लिए अच्छा भी हुआ और कई लोगों के लिए खराब भी हुआ, तो अब ये साल जबकि जाने को है, तो इसके उपलक्ष्य में खासकर अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है, तो सुख शांति के लिए सर आप लोगों को एक संदेश दे दीजिए। ये मैं भारत देश का जनता और अरुणाचल का जनता को यही संदेश देना चाहूँगा। कुछ लोग इस 2022 में
बहुत कामयाब हुआ हूँ। और कुछ लोग बहुत से अधूरा रह गया, जो नहीं जो कर सकना था नहीं कर पाया, और बहुत लोग कुछ दुख हुआ, बहुत लोग बीमार हालत में पड़ा। तो मैं ये सब उन सभी को विनती करता हूँ कि दुख हो सुख हो जिसका पास दुख हो।